क्वेश्चंस आपका क्या लिखा गया है, क्वेश्चंस हम लोग पहले कर लेंगे। यहाँ पे पहले ये जो इनपुट दिया गया है ये 3 और 1 है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, 4 और 2 है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, 1 और 7 है। चौथा क्या है आपका, 1 और 2 है। पांचवा क्या है आपका, 3 3 है। और आपका छठा क्या है, 0 और 9, ठीक है। ये आपका इनपुट दिया गया है, ये आपका क्या किया गया है, इनपुट दिया गया आपका स्टेप फर्स्ट। देखो क्या दिया गया, स्टेप फर्स्ट आपका लिखा गया है 1909 08। स्टेप आपका 2, ठीक है। स्टेप आपका 2 लिखा गया है क्या, 10 17, ठीक है। स्टेप आपका थर्ड क्या लिखा गया है, थर्ड लिखा गया है 20, और फिर लिखा गया 34। स्टेप आपका 4 क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया। ये मेरा दिया गया है इनपुट। अब इसमें हमको क्या करना है आपका, कि इनपुट दिया गया इसको समझना है। इसका एक स्टेप दूसरे स्टेप से रिलेटेड नहीं रहता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ा सा हिंट्स क्या देता है कि 2 बॉक्स का जो कुछ ना कुछ आपका उसमें लॉजिकल कुछ ना कुछ लगाया होगा, लॉजिक लगाया होगा, उसी से आपका ये वाला बॉक्स आया है, उसी से आपका ये वाला बॉक्स, उसी से आपका ये वाला बॉक्स। तो आपका क्वेश्चन में देख क्या रहे होंगे, पहला वाला बॉक्स और ये चौथा वाला बॉक्स से आपका 1 और 9 आया है, फिर आपका दूसरा वाला बॉक्स और आपका ये पांचवा वाला बॉक्स, फिर आपका तीसरा वाला बॉक्स और आपका ये वाला बॉक्स। ये थोड़ा सा आपको हिंट्स करता है कि आप लोग इससे निकाल लो, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या किया, ऐसा इसमें 3 1 में और 1 2 में ऐसा क्या किया गया है जो आपका 1 9 आया है। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस ये किया गया आपका कि 31 माइनस 12 किया गया, है ना। 31 माइनस 12 किया तो 19 आया, 42 माइनस 33 करेगा तो क्या आएगा आपका, 42 माइनस 33 करेगा तो आपका आ जाएगा ये, फिर आपका 17 माइनस 9 करेगा तो आपका आ जाएगा 08। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पहला स्टेप। और जैसे इसका अरेंजमेंट है नया वाला इनपुट का भी क्या होगा, वैसे ही आपका अरेंजमेंट होने वाला है, वैसे ही अरेंज करना एकदम 2 कॉपी, ठीक है। अब पहला वाला स्टेप में तो आपको इंडिकेट कर दिया, दूसरा वाला स्टेप में क्या है कि आपको इंडिकेट नहीं किया है, तो हम लोग को खुद से निकालना है। देखेंगे क्या इस तीनों बॉक्स में से क्या किया गया है कि आपका पहला 10 और 17 आपका आया है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने, समझ में आ रहा है कि 8 9 17 होता है, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते इसमें क्या किया है, क्वेश्चन में क्या किया गया है, माइनस किया गया है, ठीक है। 19 माइनस 9 तो ये आया है, ठीक है। दूसरा वाला स्टेप में पहले वाले माइनस, दूसरे वाले स्टेप में क्या किया गया, प्लस, जो हम पहले सोचे थे वही है। यहाँ पे 9 8 17 19 में से 9 गया आपका क्या होगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला को क्या किया गया, नीचे वाला 10 दिया गया, तो 10 × 2 = 20 और 17 × 2 = क्या हो जाएगा आपका, 34 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये लास्ट में 7 है ना, ये लास्ट में 7 है, ठीक है। तो 7 वाले में क्या किया गया है कि दोनों का डिफरेंस निकाला है, 34 − 20 = 14 divisible by 2 = क्या हो जाएगा, 7। ऐसे ही करके इसको अरेंज किया, स्टेप वाइज में अलग अलग स्टेप में आपका अलग अलग ट्रिक लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको अरेंज कीजिएगा नया वाला इनपुट को, ठीक है। चलिए इनपुट आपका क्या दिया गया है, देखिए नया वाला आपका इनपुट दिया गया है 7 2, फिर आपका है 5 1, फिर आपका है 3 3, फिर आपका दिया गया 4 5, फिर आपका दिया गया 3 9, और फिर आपका दिया गया 1 और 9।
तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपका अरेंज किया गया था, जैसे आपका पहले वाला क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से, उसी तरीके से हम लोग इसमें भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो पहला वाला जो बॉक्स आया था वो नीचे मेरा तीन बॉक्स आया था, नीचे मेरा तीन बॉक्स आया था, ये पहले वाले बॉक्स का रिलेशन क्या था, पहले और चौथे वाले से था, पहले और 1 2 3 4 चौथे वाले से रिलेशन था। दूसरे वाले का बॉक्स का मेरा क्या था, ये दूसरा वाला और ये पांचवा वाला। तीसरे वाले का मेरा क्या था, ये तीसरा वाला और लास्ट वाला बॉक्स से रिलेशन था। तो पहले वाले बॉक्स में क्या किया गया था कि दोनों का क्या डिफरेंस निकाला गया था, दोनों का डिफरेंस 31-12 किया गया था पहले वाले बॉक्स में, है ना। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, आपका 72 माइनस कितना करेंगे, 45 फर्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, 72 माइनस 45 करेंगे तो 72 माइनस 45 करेंगे, 12 में से 5 गया 7 होगा, और आपका फिर ये कितना हो जाएगा, ये 6 में से 4 ये आपका कितना हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला बॉक्स भी हम लोग क्या करेंगे, वही माइनस करेंगे, तो 51 में से आपका 39 जाएगा, तो 51 माइनस कितना 39 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा बचेगा आपका, तो 4 में से 3 जाएगा बचेगा आपका 1, 51 माइनस 39। थर्ड वाला बॉक्स में क्या है, 33 माइनस 19 करेंगे, ये 13 में से 9 जाएगा 4, 2 में से 1 जाएगा 1, आपका कितना आ जाएगा 14, 33 माइनस 19 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपका दो बॉक्स आ रहा था, उसके बाद आपका क्या आ रहा था, दो बॉक्स आ रहा था। तो पहले वाले बॉक्स में क्या किया गया था, ये पहले और दूसरे का डिफरेंस निकाला गया था, है ना। तो यहाँ 27 माइनस कितना हो जाएगा 12, डिफरेंस निकालेंगे ये 5 हो जाएगा आपका, और ये 2 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 1 आपका 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला बॉक्स में क्या किया गया था, ये वाला बॉक्स में आपको दोनों को जोड़ा गया था, क्या दोनों को जोड़ा गया था, तो 12 और 14 कितना होता है 12 और ये 14, है ना, 4 2 6 ये 26 हो जाएगा टोटल आपका, ठीक है। तो ये 27 और माइनस कितना हो जाएगा 12, ये दूसरा वाला स्टेप आपका। फिर तीसरा वाला स्टेप में क्या किया गया था, तीसरा वाला स्टेप में आपका पहले वाले का दो गुना, मतलब 15 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। और उसके बाद ये 26 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 52, ठीक है, ये 26 × 2 करेगा। फिर लास्ट वाले में आपका एक बॉक्स आ रहा था, इसमें आपका सिंगल डिजिट बैठेगा, ठीक है। तो आपका सिंगल डिजिट बैठेगा, तो हम लोग को क्या करना था, इसमें करना था दोनों का डिफरेंस निकाल के, दोनों का डिफरेंस निकाल के आपका 2 से डिवाइड करके जो आएगा वही लिखना था। तो फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 52 − 30 बराबर क्या हो जाएगा 2 2 22 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 11, यहाँ आपका कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर ऑब्टेन इन स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में आपका दोनों नंबर का सम क्या होगा। स्टेप थर्ड तो आपका ये हो गया, स्टेप फोर आपका ये हो जाएगा लास्ट वाला, दोनों नंबर का सम हमसे पूछ रहा है। तो दोनों नंबर का सम पूछ रहा है, यहाँ क्या करेंगे 52 और 30 कितना आ जाएगा आपका 82 आंसर आ जाएगा, ठीक। दूसरा क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर टेकन एज टू डिजिट ऑब्टेन इन स्टेप टू, है ना। आपका स्टेप टू वाले में दो डिजिट वाले नंबर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये पूछ रहा है ना हमसे। तो 15 और 26 को जोड़ना है, 15 और 26 को जोड़ेंगे 6 5 11 2 1 3 4 41 होने वाला है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उसी दोनों में जोड़ देना है, सम कर देना, 41 हो जाएगा। What will be the final output? Final आपका output क्या होगा? Final output आपका कितना होगा? 11 आपका हो जाएगा, ठीक। उसके बाद fourth number question क्या है? 24 number. What is the difference between two number obtained in step third? है ना? मतलब आपका step third में आपका दोनों number जो होगा, उसका difference कितना होगा? तो 52 − 30 करेंगे, 52 − 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 40 10 50 2 22
क्वेश्चन नंबर आपका 25 में क्या बोला है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ स्टेप टू, मतलब स्टेप टू वाले का दोनों का सम पूछा है, स्टेप टू वाले का दोनों का व्हाट विल बी द सम ऑफ स्टेप टू, तो स्टेप टू वाले का सम पूछेगा तो 26 और ये 15 क्या हो जाएगा आपका, स्टेप टू आपका यही है ना, तो 26 और 15 तो हम लोग जोड़ लेंगे यहाँ पे, 26 और 15 क्या हो जाएगा, 5 11 2 1 3 और 1 क्या हो जाएगा ये 40 का। ऐसा एक और क्वेश्चन था क्या, यस क्वेश्चन तो ऐसे ही था, एक और आपका व्हाट विल बी द सम ऑफ स्टेप टू, चलिए अगर डिफरेंस निकाले तो 26 और ये 15 इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू नंबर ऑफ टेन, स्टेप टू करेंगे यहाँ पे, स्टेप टू करेंगे, नया क्वेश्चन है यहाँ पे दे देंगे यहाँ पे क्या, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपका है क्या, क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, डायरेक्शन ऑफ सेट ऑफ 3 क्वेश्चन, ठीक है, तीन क्वेश्चंस का आपका सेट है, कंसीडर द अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बेस्ड ऑन सर्टेन स्ट्रिंग, है ना, आपका क्वेश्चन दिया गया है नीचे, एक आपका सीरीज है उसको कंसीडर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, कुछ स्टेप है उसको भी फॉलो करना है आपको और उससे आप अपना आंसर क्या होगा निकाल सकते हैं। चलिए तो आपका है क्या ऊपर वाला सीरीज, हम एक बार सीरीज लिख लेते हैं, ठीक है, सीरीज हम लोग लिख लेते हैं, सीरीज आपका दिया गया गया है एंड एम फोर यू परसेंटेज 8D, इसपे आपका 3 स्टेप दिया गया है, तीनों को फॉलो करना है 1x1 करके, तीनों को फॉलो करना है 1x1 करके, ये आपका सीरीज दिया गया है, सीरीज में क्या लिखा है आपका, सीरीज में आपका लिखा क्या है फर्स्ट वाले स्टेप में, ईच सच लेटर दैट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ऐसा लेटर जो आपका स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा फॉलो होता है, ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, मतलब ठीक लेटर के पहले आपका क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, एंड प्लेस्ड, ठीक है, नंबर इज टू बी प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ 5th इन द रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कहने का मतलब क्या है कि आपका ऐसा लेटर जो स्पेशल कैरेक्टर के द्वारा फॉलो हो रहा है और उसके ठीक पहले नंबर है, तो वैसे लेटर को क्या करना है, हम लोगों को एक साथ कर लेना है और आपका 5 कहीं एक जगह सीरीज में दिया गया है उसके ठीक राइट में उसको क्या करना है, एडजस्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में, जैसे कि आप फर्स्ट वाला स्टेप में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में करना क्या है कि ऐसा कितना लेटर है जो एक स्पेशल कैरेक्टर सिंबल के द्वारा फॉलो होता है, उसके आगे भी क्या रहना चाहिए, मेरा नंबर रहना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे आपका सिंबल के द्वारा फॉलो होता है, तो एक ये सिंबल के द्वारा फॉलो हो रहा है और पहले आपका नंबर भी है, ठीक है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एक सिंबल के द्वारा फॉलो हो रहा है और पहले एक आपका क्या है,
नंबर भी, ये हो गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ तीसरा देखिए, तीसरा यहाँ भी हमको मिल गया, ऐसा लेटर जो कि स्पेशल कैरेक्टर सिंबल के द्वारा फॉलो हो रहा है और उसके ठीक पहले आपका क्या है लेटर सॉरी नंबर भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को क्या करना है, नंबर को अरेंज करना है। तो आपका लेटर क्या क्या मिला है, यू आर और बी, ये तीन आपका मिल गया है ऊपर से लेटर। अब इस तीनों लेटर को क्या करना है, हमको फाइव के बाद राइट में तीनों को अरेंज करना है। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग अरेंज करेंगे, स्टेप फर्स्ट हम लोग अरेंज करेंगे एंड एम फोर परसेंटेज, परसेंटेज और फोर इसलिए होगा क्योंकि यू यहाँ से उठकर यहाँ आ गया है, आर भी उठकर यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बी भी उठकर आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो आपका तीन प्लेस क्या होगा, खाली हो जाएगा वहां से, ठीक है। तो फिर आपका एट हो जाएगा, फिर डी के हैज क्यू थ्री, आर भी आपका नहीं होने वाला यहाँ पे, फाइव, ये तो यहाँ पे आपका फाइव आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला क्या कि ऐसा कितना लेटर है जो आपके उसके ठीक बाद आपका सिंबल है और वैसे लेटर के ठीक पहले आपका नंबर होना चाहिए। तो वैसे लेटर को उठाना है और उठाकर क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले यू उसके बाद आर तब आपका बी, तो तीनों आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। और ये अरेंज करने के बाद हमको क्या करना है, फाइव है ना, टू बी प्लेस्ड इमीडिएट राइट ऑफ फाइव, मतलब पांच के ठीक राइट में क्या करना है, तीनों को एडजस्ट करना है। तो तीनों को हम लोग एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे यू आर और बी, ठीक है, यू आर और बी जैसे फिर आपका चल रहा था वैसे ही आपका सिंबल और नंबर चलेगा। ये अरेंज हो गया आपका। अब क्या है कि आपका तीन कंडीशन दिया गया है, तो तीनों कंडीशन अलग अलग लगेगा, लेकिन कब, जब आपका पहले वाला फॉलो हो जाएगा तो पहले वाले पे ही आपका दूसरा वाला कंडीशन रहेगा, और जब दूसरा वाला फॉलो हो जाएगा तो आपके दूसरे वाले पे ही तीसरा वाला फॉलो रहेगा। ये सीरीज से मतलब नहीं है, अब हमको इससे मतलब है कि स्टेप फर्स्ट मेरा अरेंज हो गया है, स्टेप टू भी मेरा इसी से अरेंज होगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर आपका स्टेप टू, स्टेप टू में क्या बोला क्वेश्चंस में आपका, स्टेप टू में आपका बोल रहा क्या है कि ऐसा कोई नंबर जिसके ठीक बाद अल्फाबेट होना चाहिए और उसके ठीक पहले अल्फाबेट नहीं होना चाहिए। लिखा है इच सच नंबर दैट फॉलोड बाय अल्फाबेट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अनदर अल्फाबेट, मतलब ऐसा कोई नंबर जो अल्फाबेट उसके बाद हो, ठीक है, लेकिन उसके ठीक पहले आपका अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड बी रिटन इमीडिएट राइट ऑफ यू इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वैसे लेटर को क्या करना है आपका कि यू के इमीडिएट राइट में है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है सीरीज दस फ्रॉम आफ्टर स्टेप वन, मतलब स्टेप वन के बाद, ऊपर वाले सीरीज से मतलब नहीं, स्टेप वन के बाद अरेंज करना है। तो हमको देखा जाना चाहिए यहाँ पे कौन कौन सा आपका ऐसा है, कौन कौन सा आपका ऐसा है जो नंबर है और ठीक अल्फाबेट को फॉलो कर रहा है ना, उसके ठीक पहला आपका कोई अल्फाबेट नहीं। तो पहला तो ये है एट, दूसरा आपका सिक्स, ठीक है, और कोई नहीं। यहाँ भी अगर आपका अल्फा ये आपका नंबर है तो बाद में अल्फाबेट नहीं है, यहाँ नंबर है तो बाद में अल्फाबेट नहीं है, और यहाँ नंबर है तो बाद में अल्फाबेट है लेकिन पहले भी अल्फाबेट है, जो हमको पहले अल्फाबेट क्या होगा नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए तो फिर से हम लोग स्टेप सेकंड को भी अरेंज करेंगे, तो स्टेप सेकंड को अरेंज करेंगे तो फिर से लिखेंगे और जो लिखेंगे उसके यू के ठीक बाद दोनों नंबर को क्या करना है अरेंज करना है। तो नंबर आपका मिला क्या सिक्स और एट मिला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और एट और सिक्स अपना प्लेस छोड़ देगा, वो प्लेस आपका वहां पे खाली हो जाएगा। फिर आपका क्या है ई जी, जो भी आपका सिंबल है हम लोग उसको लिख लेंगे,
स्टेप अभी यहाँ यूज लगा गया। सेकंड वाला स्टेप में आपका क्या बोला था क्वेश्चन में कि इमीडिएटली प्रीसेडेड बाय अनदर अल्फाबेट शुड बी रिटन इमीडिएट राइट ऑफ यू। जो भी आपका आएगा, जो भी आपका नंबर आएगा, तो नंबर आपका क्या है, सिक्स आया और एक आपका एट आया। सिक्स एट को हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और वही सिक्स और एट को क्या करना है, यू के एकदम राइट में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ सिक्स और एट को लिखेंगे, बाकी बात जो मेरा रहेगा सीरीज का वो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक, चलिए ये तो आपका हो गया। अब देखिए क्या है कि स्टेप सेकंड वाला जो आपका आउटपुट है वो तभी होगा जब ये थर्ड वाला आपका जो आउटपुट निकलेगा, कब, जब आपका सेकंड वाला फाइनल हो जाएगा तब। मतलब हमको सेकंड वाला निकालना हो तो फर्स्ट वाला फाइनल करके निकालेंगे, थर्ड वाला निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाला फाइनल करके निकालेंगे। थर्ड वाले में क्या बोला है कि ईच सच सिंबल विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, है ना, विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट शुड बी रिटन बिटवीन जी एंड सेवन। मतलब ऐसा जो भी आपका सिंबल, जो उसके बाद ठीक अल्फाबेट आपका हो रहा है, वैसे सिंबल को आपका जी और सेवन के बीच में लिखना है। तो भैया जी और सेवन आपका यहाँ है, तो इसके बीच में आपका जितना सिंबल आएगा जिसके ठीक बाद आपका अल्फाबेट होगा, वैसे सिंबल को क्या करना है, लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेप थर्ड यहाँ लिखेंगे, स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड। अब हम लोग देखेंगे क्या कि स्टेप थर्ड वाले में ऐसा कौन कौन सा है, ठीक है, ऐसा कौन कौन सा आपका दिया गया है। तो स्टेप थर्ड वाले में देखेंगे क्या, अरेंज करेंगे कि सिंबल के ठीक बाद क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। सिंबल के ठीक बाद अल्फाबेट, ठीक है, सिंबल के ठीक बाद आपका अल्फाबेट, सिंबल के ठीक बाद आपका अल्फाबेट, यहां भी सिंबल के ठीक बाद आपका अल्फाबेट, ठीक है, सिंबल के ठीक बाद अल्फाबेट, सिंबल के ठीक बाद अल्फाबेट, सिंबल के ठीक बाद अल्फाबेट, है ना। आपका सिंबल के ठीक बाद अल्फाबेट कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इतना जितना भी आपका सिंबल होगा सबको लिख लेते हैं। पहले ये सिंबल आएगा एंड परसेंटेज हैज, है ना, जी। अब जी स्टार्ट हो रहा है, तो जी के बाद सारा सिंबल हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमको सिंबल मिला है वैसे हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करते चले जाएंगे, कब तक, सेवन के पहले तक। ठीक है, फिर यहां सेवन से स्टार्ट होगा, और जैसे ही सेवन से स्टार्ट होगा जितना सिंबल आपका और नंबर अल्फाबेट बाकी है वो हम क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल स्टेप आ गया, लास्ट में थ्री वाला आपका क्या आ गया, फाइनल स्टेप आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सबका पहले वाला क्या लिखा गया कि हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन अबव अरेंजमेंट व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर इन फाइनल आउटपुट। मतलब फाइनल आउटपुट में, मतलब स्टेप थर्ड वाले में आपका क्या लिखा है, ऐसा कितना सिंबल है जिसके ठीक पहले नंबर है। मतलब पहला क्वेश्चन है, ऐसा कितना सिंबल है जिसके ठीक पहले आपका नंबर होना चाहिए। तो ऐसा सिंबल हम लोग ढूंढेंगे, ठीक पहले नंबर होना चाहिए, देखो सिंबल यहाँ है इसके ठीक पहले नंबर, तो आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाले का। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 8 टू द राइट ऑफ 15 एलिमेंट लेफ्ट एंड इन द फाइनल आउटपुट। मतलब फाइनल आउटपुट में क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से आपका कितना है, लेफ्ट से आपका कितना पूछ रहा है, 15,
और राइट में कितना पूछा आपका एक है ना, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, और ये कहां से जाएगा लेफ्ट से 23 आपका काउंट करना है, तो लेफ्ट से आपका काउंट कीजिएगा 23, तो आंसर क्या आएगा आपका 5, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 5। थर्ड वाला क्या है कि इफ ऑल द अल्फाबेट व्हिच आर फॉलोड बाय नंबर, इफ ऑल द अल्फाबेट व्हिच आर फॉलोड बाय नंबर ड्रॉट फ्रॉम द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट से ऐसा सभी अल्फाबेट को ड्रॉप कर देना है जिसके ठीक बाद नंबर है, ऐसे सभी अल्फाबेट को ड्रॉप कर देना है जिसके ठीक बाद क्या होना चाहिए नंबर होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ एम देखो एम के ऐसे सभी अल्फाबेट जिसके ठीक बाद नंबर होगा उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखना क्या है कि एम के ठीक बाद आपका क्या है 4 है आपका, तो ये एक अल्फाबेट हो गया आपका क्यू अल्फाबेट, क्योंकि क्यू के बाद भी आपका 3 है, फिर आपका ए हो गया, यू हो गया आपका, एस हो गया और आपका वाई हो गया। मतलब क्या कि आपका एम क्यू ए यू एस एंड वाई को क्या करना है ड्रॉप कर देना है, क्योंकि इन सब के बाद आपका नंबर है। तो फाइनल आउटपुट में क्वेश्चन क्या बोला था कि आपका ऐसा अल्फाबेट जिसके ठीक बाद आपका नंबर है उस सबको ड्रॉप कर दीजिए और तब बताइए कि राइट एंड से आपका 16 एलिमेंट कौन सा होगा। तो राइट एंड या राइट आपका दोनों बराबर होता है, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तो राइट एंड से आपका 16 क्या होगा, ठीक है। राइट एंड से 16 काउंट करेंगे तो मेरा क्या आने वाला है, ये सिंबल आएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा आपका सिरोलिज्म दिया गया है, ठीक है, इसको डिलीट किया जाए। सिरोलिज्म में आपका क्या है, ऊपर क्या क्वेश्चन में लिखा है, हम लोग आज तक पढ़े थे कि जो आपका सही वाला कंक्लूजन होगा वो आंसर होगा, जो आपका फॉलो करेगा वो आंसर होगा, लेकिन ये जो सिरोलिज्म है काफी अलग हटके एकदम नए पैटर्न पे, एकदम नया पैटर्न पे है आपका। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेट ऑफ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय सम कंक्लूजन, मतलब कुछ जो आपका स्टेटमेंट है वो कुछ ही कंक्लूजन द्वारा फॉलो किया जाता है। वन ऑफ इज डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, मतलब जो आपका फॉलो नहीं करेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, मतलब गलत वाला आंसर होगा। तो गलत वाला वही आंसर होगा जो आपका पॉसिबिलिटी में भी फॉलो नहीं कर रहा हो, समझ में आ रहा है ना। एक आपका हो रहा है कि डज नॉट फॉलो, ठीक है, डज नॉट फॉलो इसका आपका पॉसिबिलिटी में सही हो रहा है और ये फिगर में नहीं जम रहा है तो मेरा गलत हो जाएगा, मतलब जो फिगर में नहीं दिख रहा है वो मेरा गलत है, तो आपका डज नॉट फॉलो। लेकिन डेफिनेटली नॉट फॉलो कहने का मतलब है कि आपका फिगर में नहीं दिख रहा है तब तो गलत है ही, लेकिन वो वाला कंक्लूजन आपका पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं होना चाहिए तो उसमें आपका डज नॉट फॉलो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो पहला वाला 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, नो टेंस इज ए क्या होना चाहिए, डोर होना चाहिए। ऑल टीन्स आर रूफ, ऑल टीन्स आर क्या हो जाएगा रूफ हो जाएगा। सम गेट आर टेंस, सम गेट आर टेंस, नो टीन इज टेन, नो टीन इज टेन, और ऑल टीन आर क्या लिखा था मेरा रूफ लिखा था। तो देखो टेंस और गेट का रिलेशन आपका अलग है, यहाँ पे डोर का रिलेशन अलग है, टेंस का कोई रिलेशन नहीं है डोर का, ठीक है। टीन और रूफ का रिलेशन अलग है, टीन और टेंस का कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। तो मेरा पहला वाला कंक्लूजन क्या बोला है कि सम गेट्स आर रूफ, सम गेट्स आर रूफ लिखा है। ये फिगर में तो नहीं है लेकिन ये पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, हमेशा याद रखिएगा। इस दोनों का रिलेशन नहीं बताया गया तो जिसके बारे में आपका रिलेशन नहीं बताया जाएगा वो चीज आपका पॉसिबिलिटी में या तो ऑल वाले केस में या तो फिर सम वाले केस में हमेशा सही होता है, ठीक है। जब हम सिरोलिज्म पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट वाइज में तो आपको सारा बात बताएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्या हो गया, ये नहीं होगा। दूसरा वाला सम गेट्स आर डोर, सम गेट्स क्या है, कुछ जो गेट है वो आपका डोर है, तो ये तो फिगर में नहीं दिख रहा है ये भी, लेकिन पॉसिबिलिटी में तो हो सकता है ना कि कुछ गेट के आपका डोर होने की संभावना है, तो गेट वाला पार्ट उठ कर यहाँ चला आएगा तो ये भी क्या गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्या बोला कि ऑल गेट बीइंग डोर इज अ पॉसिबिलिटी, सभी गेट के डोर होने की संभावना है, तो क्या सभी गेट कभी भी डोर हो सकता है, क्या कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नो वाला केस में आपका पॉसिबिलिटी भी नहीं चलेगा, हमेशा याद रखिएगा कि नो वाले केस में आपका कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस में तो ये थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाएगा सही, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। चलिए
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? सम रैक आर गिग्स। सम रैक आर क्या है? गिग्स है। ऑल गिग्स आर क्या है? नट है। ऑल गिग्स आर क्या हो जाएगा? नट हो जाएगा। मेनी नट्स आर ट्रैप है। मेनी नट्स आर क्या है? ट्रैप। तो मेनी मतलब क्या होता है? कई, मतलब ऑल के सेंस में नहीं यूज करेंगे। मेनी आपका जब भी यूज करेंगे तो सम केस में यूज करेंगे, है ना। बता देते हैं इसके बारे में आप लोगों को। ये हो गया नो ट्रैप इज वाडा। नो ट्रैप इज क्या हो जाएगा? वाडा हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चंस में आपका पहला वाला कंक्लूजन क्या लिखा है कि सम रैक आर नट्स। सम रैक आर नट्स ये तो गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही होगा। तो ये पहला वाला गलत है, क्योंकि जहां से जहां तक नॉट नहीं लगा रहता है वहां से वहां तक आपका सम और ऑल का पॉसिबिलिटी हमेशा सही होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या लिखा है? नो वाडा इज ट्रैप। नो वाडा इज ट्रैप ये तो सही हो गया, ठीक है। यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सही बोल रहा है ना कि कोई ट्रैप आपका वाडा नहीं है, तो कोई वाडा आपका ट्रैप नहीं होगा, ये तो सही है। यहाँ तो ये गलत हो जाएगा ना। All gigs being trap is a possibility. All gags being gigs being trap is a possibility. यहाँ यहाँ कोई नो नहीं लगा हुआ है तो पॉसिबिलिटी आपका सम और ऑल में क्या हो सकता है? सही हो सकता है। इसलिए ये वाला भी गलत है। सही वाला सारा गलत होगा, गलत वाला मेरा एक सही होगा, ठीक है। सम ट्रैप्स आर गिग्स, कुछ जो ट्रैप है वो गिग्स नहीं है, लेकिन इन द केस ऑफ पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ये भी आपका गलत, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि सम जीप्स आर गियर्स। सम जीप्स आर गियर्स, ठीक है। ऑल गियर्स आर गियर्स, ठीक है। ऑल गियर्स आर क्या हो जाएगा? गियर्स। ऑल गियर्स आर किंग हो जाएगा, ठीक है। नो किंग इज ए रिवर, कोई भी किंग आपका रिवर नहीं है, ये दिया गया, ठीक है। चलिए तो पहला वाला क्या आपका यहाँ पे आ रहा है कि ऑल जीप्स बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी। सभी जीप के रिवर होने की संभावना है? नहीं, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता, ये तो दिख भी नहीं रहा है और पॉसिबिलिटी वाले केस में भी नहीं है। तो जो पॉसिबिलिटी वाले भी केस में नहीं होगा वो हम लोग का डेफिनेटली नॉट फॉलो वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा? सही। तो आपका आंसर पहला हो गया, बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन वाला क्या लिखा है? ओनली बी इज ए। पहला है ओनली बी इज ए। ओनली का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा कि ओनली ओनली ए इज अगर बी बोला जाए, ओनली ए इज अगर बी बोला जाए तो हमेशा सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाता है, और प्रेडिकेट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हम लोग ऑल बी इज ए कर लेते हैं, ये टोटल क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब सभी बी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जहां भी ऑल का बात आए तो आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाता है, और प्रेडिकेट आपका क्या हो जाता है? सब्जेक्ट, मतलब पहले वाला बाद में और बाद वाला आपका पहले में हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है? ओनली बी इज ए। ओनली बी इज ए मतलब ऑलवेज ऑल इज बी होगा, ठीक है। एट लीस्ट कम से कम बी आपका सी है, चलो बी सी आपका। ऑल सी इज नॉट डी है ना। ऑल सी इज नॉट डी मतलब कोई भी, या फिर ऑल लिखा रहे या सॉरी ऑल नॉट लिखा रहे या फिर नो लिखा रहे, बाद दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मेरा हमेशा याद रखिएगा कि ऑल नॉट लिखा रहा है या फिर नो लिखा रहा है, बात मेरा बराबर होगा, मतलब कोई भी आपका सी क्या है वो डी नहीं है, ठीक है। पहला वाला कंक्लूजन है ऑल ए इज डी, ठीक है। दूसरा वाला क्या है? सम ए इज नॉट डी। तीसरा वाला क्या है? सम ए इज डी ना दिया गया। अब देखो क्या है यहाँ पे कि ऑल ए इज डी लिखा है। ऑल ए इज डी है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। जो फिगर में नहीं दिख रहा है वो मेरा क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद सम ए इज नॉट बी लिखा है। सम ए इज नॉट डी, कुछ ए वाला पार्ट जो है वो डी नहीं है। देखिए तो दूर का रिलेशन हो गया ना। अगर सम बी इज नॉट डी बोलता तब मेरा सही हो जाता, लेकिन सम इज नॉट डी बोला तो ए के साथ बी रिलेटेड है, बी के साथ सी रिलेटेड है, और सी का रिलेशन डी से नहीं है, तो सिर्फ बी और डी का रिलेशन चल सकता है सम नॉट वाले केस में।
लेकिन ये ए और डी का रिलेशन आपका समर्ट वाले केस में नहीं चल सकता, हमेशा याद रखिएगा। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ए इज क्या हो जाएगा, बी। ये तो सही है, अगर सभी ए बी है तो कुछ ए आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने वाला होगा, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है कि ए और डी के यहाँ जो है सब्जेक्ट में दोनों बराबर है, पहले वाले में और दूसरे वाले में सब नॉट लगा हुआ है, दोनों गलत है। तो कंडीशन ऑफ इधर और क्या होता है कि दोनों कंक्लूजन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मेरा बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, और एक पॉजिटिव और एक क्या होना चाहिए, मेरा निगेटिव होना चाहिए। जब ये मैच हो जाए तो हम लोग कंक्लूजन में तीन चीज जुड़ लेंगे, ऑल प्लस सम नॉट, सम नॉट प्लस नो, सॉरी सम नॉट प्लस सम, सम नॉट प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सम प्लस नो। ये आपका तीनों कंक्लूजन में रहेगा तभी कंडीशन ऑफ आइदर और रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। एकदम रामबाण है, एकदम रामबाण ट्रिक है कि आपका दोनों कंक्लूजन, दो कंक्लूजन में आइदर और लगेगा, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखो ये गलत होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा बराबर होना चाहिए, और दोनों कंक्लूजन में मेरे कहने के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, कन्फर्म एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव हो रहा है। मतलब यही तीन कंडीशन में आपका इधर और लगेगा, और किसी भी कंडीशन में आपका इधर और लगने वाला नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। तब क्या होगा मेरा यहाँ पे, इसमें आपका देखो ऑल और सब नॉट है, ऑल और सब नॉट है, बराबर है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये भी बराबर है, एक पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर वन और टू एंड थर्ड फॉलो, ठीक है। मतलब या तो आपका एक और तीन, एक और दो होगा, या फिर आपका थर्ड वाला क्या करेगा, फॉलो करेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इच ए इज बी, इच का मतलब क्या होता है, ऑल वाले केस में लेंगे तो इच ए इज क्या हो जाएगा, इच ए इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। ऑलवेज बी इज सी, ऑलवेज का मतलब भी ऑल होता है, 89% मतलब लेस देन 100% रहे तो सम, सम का केस बनेगा, 0% रहे तो नो का केस बनेगा, अगर 100% रहे तो ऑल का केस बनेगा, ठीक है। तो कुछ जो सी है वो डी है, तो पहला वाला क्या लिखा है, ऑल डी इज डी, ये सभी डी भी है, गलत है पहला वाला। दूसरा 55% डी सी है, सही तो बात है, कुछ आपका डी सी है। तीसरा क्या है, सम बी इज, ये भी आपका सही है। तो टू एंड थ्री क्या हो जाएगा, आपका फॉल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि आठ लोग आपका ए से लेकर एस तक आपका रेक्टेंगुलर टेबल पे बैठे हैं, जिसमें आपका दो साइड, एक लंबा वाला साइड एक आपका छोटा वाला साइड, तो लंबा वाला साइड में आपका तीन लोग बैठे हैं और छोटे वाले साइड में आपका कितने लोग, एक लोग बैठे हुए हैं। इसमें से कुछ का फेस आपका आउटसाइड है, कुछ का फेस आपका क्या है, इनसाइड दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है कि वो अलग अलग गेम भी खेल रहे हैं आपका, और सब सारे लोग का जो फेस है वो आउटसाइड इनसाइड दोनों है, और कोई भी आपका एक साइड पे बैठे लोगों का फेस एक डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एक हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पे। अब क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या कि सी सिट्स टू द राइट ऑफ पर्सन हु प्लेज बास्केटबॉल, मतलब जो बास्केटबॉल खेल रहा है उसके टू द राइट में कौन बैठा हुआ, सी बैठा हुआ है, जो आपका बास्केटबॉल खेलेगा मान लो। और यहाँ एक और बात लिखा क्या गया है, नीचे यहाँ पे बास्केटबॉल, हाँ, पर्सन हु प्ले बास्केटबॉल डजंट सीट एट लॉन्गर साइड, मतलब जो आपका बास्केटबॉल खेलेगा वो आपका लॉन्गर साइड क्या होगा, नहीं बैठने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो फेस इसका बास्केटबॉल का अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो बास्केटबॉल जैसे ही अंदर लेंगे तो सी यहाँ कन्फर्म, हम लोग को दूसरा भी फिगर लेना पड़ेगा, हम लोग को दूसरा फिगर भी क्या होगा लेना पड़ेगा, बास्केटबॉल का फेस क्या होना चाहिए, आउटसाइड भी होना चाहिए, हो भी सकता है। बास्केटबॉल जैसे ही आउटसाइड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए लिखा है क्या, बोथ इमीडिएट नेबर ऑफ पर्सन हु प्लेस
क्रिकेट किस अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जहां भी आपका क्रिकेट बैठने वाला है उसके आपका क्या है, उसका जो इमीडिएट नेवर होगा उसका फेस क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में उसका फेस होने वाला, मतलब एक का अगर इनसाइड होगा तो एक आपका क्या होने वाला, आउटसाइड होने वाला है। लिखा है कि पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई प्ले टेनिस, मतलब आपका ई के थर्ड टू द राइट में जो बैठेगा वो टेनिस खेलने वाला है। फिर क्वेश्चन में लिखा है पर्सन हु प्ले चेस, है ना, पर्सन हु प्ले स्क्वायर सीट द सेम साइड बट नॉट इमीडिएट नेवर, मतलब चेस और स्क्वायर वाला जो है आपका वो एक ही साइड बैठेगा लेकिन इमीडिएट नेवर नहीं होगा, मतलब एक ये कॉर्नर पे और एक आपका ये कॉर्नर पे होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन में लिखा है क्या कि बोथ ए एंड ई आर नॉट एडजेसेंट टू सी बट हैव थ्री पीपल बिटवीन देम, मतलब ए और ई जो है आपका सी का एडजेसेंट नहीं है लेकिन आपका तीन पीपल है उसके बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहा है यहाँ, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ए को ले लेंगे और यहाँ क्या करेंगे ई को ले लेंगे, फिर यहाँ यहाँ पे क्या करेंगे ए को ले लेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे ई को हम लोग ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से ए और ई को कहीं भी हम लोग बिठा सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, द पर्सन हु लैक्स कैरम इज नॉट जी बट फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो कैरम लाइक करता है वो जी नहीं है लेकिन जो कैरम लाइक करता है उसका फेस क्या है, इनसाइड है, ठीक है। एच फेसेस आउटसाइड द सेंटर, मतलब एच का जो फेस है आपका सेंटर से आउटसाइड की ओर है, ठीक है। पर्सन हु प्लेस बास्केटबॉल डजंट सीट एट लॉन्गर साइड, ये तो हो चुका। सी प्ले नीदर चेस नॉर स्क्वायर्स, सी जो है ना तो चेस खेल रहा है ना तो स्क्वायर्स खेल रहा है, और चेस और स्क्वायर्स वाला आपका क्या था कि वहां पे दोनों साथ में एक ही साइड पे बैठेगा लेकिन दोनों इमीडिएट नेवर नहीं होगा, तो यहाँ नहीं बैठ रहा तो यहाँ भी नहीं होगा, मतलब कन्फर्म क्या होगा स्क्वायर्स और यहाँ पे क्या होने वाला है चेस होने वाला है, यहाँ भी स्क्वायर्स और यहाँ पे क्या होगा चेस होने वाला है, कन्फर्म दोनों साइड दोनों आपका इमीडिएट नेवर नहीं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, पर्सन हु प्ले फुटबॉल सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हु फेसेस आउटसाइड द सेंटर, है ना, जो आपका फुटबॉल खेल रहा है वो क्या है ए के लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है, सेकंड टू द लेफ्ट में बैठा हुआ है और ए का फेस आपका कहाँ है आउटसाइड की ओर है, इतना याद रखिएगा, तो ए का फेस आपका क्या हो जाएगा आउटसाइड की ओर हो जाएगा, ठीक है, आउटसाइड होगा तो वन टू यहाँ क्या हो जाएगा आपका फुटबॉल, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे सी है आपका, सी आपका चेस और स्क्वायर्स नहीं खेल रहा है, ये कंफर्म चेस और स्क्वायर्स यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, यहाँ भी आपका चेस और क्या हो जाएगा स्क्वायर्स हो जाएगा, तो जब फेस इसका आउटसाइड रहेगा ए का तो ए के लेफ्ट में होना चाहिए फुटबॉल सेकंड लेफ्ट में, तो ए का राइट इधर सी हो जाएगा, लेफ्ट में कहीं भी फुटबॉल बैठ रहेगा, फुटबॉल नहीं बैठ रहा तो ये वाला फिगर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा कि सी सिट्स इमीडिएट टू द राइट ऑफ सी, सी जो है वो क्या है सी के इमीडिएट राइट पे कौन आपका बैठ रहा है डी आपका बैठ रहा है, तो मान लो कि डी यहाँ होगा या तो डी यहाँ होगा, अगर हम डी को यहाँ मानेंगे तो डी और क्रिकेट वाले में तीन लोग हैं आपका, डी और क्रिकेट वाले में कितने लोग हैं तीन लोग हैं आपका, एक दो तीन, यहाँ कभी क्रिकेट नहीं हो सकता, यहाँ कभी आपका डी नहीं हो सकता, डी यहाँ फिक्स यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो यहाँ क्या फिक्स हो जाएगा क्रिकेट यहाँ पे आपका फिक्स हो जाएगा, और जैसे ही क्रिकेट यहाँ फिक्स होगा तब क्या एक और बात लिखा था यहाँ पे, द पर्सन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई प्ले टेनिस, मतलब जो ई के थर्ड टू द राइट में बैठ रहा है वो क्या खेल रहा है टेनिस खेल रहा है, इसका फेस अगर इनसाइड करेंगे वन टू थ्री यहाँ टेनिस कभी नहीं बैठेगा, ठीक है, इसका फेस अगर आउटसाइड करेंगे वन टू थ्री तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा यहाँ आपका हो जाएगा टेनिस, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। चलिए ये हो गया, अब क्या है कि कैरम वाला जो है उसका फेस इनसाइड होगा और क्रिकेट वाला का इमीडिएट नेवर का फेस क्या होगा अपोजिट होगा, हम आप लोगों को बताए थे, ठीक है, तो अपोजिट होगा, ये आपका इनसाइड है तो ये आपका क्या हो जाएगा आउटसाइड हो जाएगा, और जब डी यहाँ बैठ गया तो इसका भी फेस क्या होगा आउटसाइड होगा, क्योंकि सी के ठीक इमीडिएट राइट में आपका डी बैठा है तो कंफर्म इसका फेस इनसाइड होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि तीनों का फेस आपका एक साइड नहीं रह सकता है। अब क्या है क्वेश्चन में आपसे बोला कैरम वाले का फेस क्या होगा इनसाइड होगा, याद रखिएगा कैरम वाले का फेस क्या होगा इनसाइड होगा, कैरम वाले का आपका फेस जो होगा इनसाइड होगा, ठीक, तो इनसाइड ये हो गया है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला यहाँ पे एक और बात लिखा था क्या
एच दिस इज आउटसाइड द सेंटर, तो एच यहाँ कन्फर्म इंटर नहीं कर ही नहीं सकता है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ एच यहाँ पे कन्फर्म हो गया, तो अब देखिए अब क्या लिखा है, ये हो गया क्रिकेट, ये भी हो गया, टेनिस भी हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि जी और एफ का फेस क्या है, ई चल रहा आमने सामने, जी का जी और एफ का फेस क्या है आमने सामने, ठीक है। तो जी जो है वो कैरम नहीं खेल रहा है, जी आपका बास्केटबॉल खेलेगा, ठीक है। और आपका एफ जो है वो कैरम खेल रहा है, क्योंकि लिखा गया है क्वेश्चन में ऐसा, ठीक है। यहाँ पे हो गया, अब सारा कुछ सेट हो गया, कैरम तो बचा आपका बी, और यहाँ आपका तो ये हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन हो जाएगा आपका, सारा कुछ आपका क्या हो गया अरेंज हो गया। चलो आई होप कि समझ में आया होगा। अब इस पर क्वेश्चन सब करते हैं, देखते क्या है क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्ले पर्सन प्लेइंग स्क्वायर्स इज फेसिंग डैश व्हाइल पर्सन प्लेइंग बास्केटबॉल इज फेसिंग, ठीक है। देखा पर्सन प्लेस स्क्वायर्स, स्क्वायर्स जो है वो क्या है आउटसाइड, आइदर आउटसाइड आइदर इनसाइड। तो स्क्वायर और चेस का ये फिक्स थोड़ी ना है, स्क्वायर और चेस का क्या है फिक्स नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर का आउटसाइड भी हो सकता है इनसाइड भी हो सकता है। तो पहला होगा इधर टूवर्ड्स आउटसाइड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन होगा कि इधर टूवर्ड्स और आउटसाइड द सेंटर, मतलब तो या तो सेंटर की ओर या तो फिर सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है। अब बास्केटबॉल का आपका फेस इधर है, तो बास्केटबॉल का फेस आपका क्या है इनसाइड है, तो लास्ट वाला हो जाएगा टू आर्ट द सेंटर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपका एक ही में दिया गया, जो ऑप्शन है आपका डी। चलो नेक्स्ट वाला क्या लिखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्ले बास्केटबॉल, बास्केटबॉल आपका कौन खेल रहा है, जी खेल रहा है, जी आपका ऑप्शन में नहीं, इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ई। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु प्ले स्क्वैश, है ना, जो स्क्वैश खेलता है उसके ठीक लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है। तो इधर से इसका फेस इनसाइड, फिर भी लेफ्ट में क्रिकेट एच, इधर से फेस इसका आउटसाइड, फिर भी लेफ्ट में आपका एच और आपका क्रिकेट मिल जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आपका एच ही होने वाला है, ठीक है। चलिए हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन ए और एच, ए और एच के बीच में आपका कितना है पीपल, जब आपका ए से काउंट किया जाए टूवर्ड्स राइट, मतलब राइट से काउंट करेगा तो एक दो, आपका कितने लोग हो जाएंगे, दो लोग आंसर में हो जाएंगे। तो समझ में आया होगा कंफर्म, एक बार जरूर इस क्वेश्चन को बनाइए फिर से, तो ज्यादा समझ में आएगा। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि तीन सेट का आपका ये क्वेश्चन है, इन अ फैमिली 12 पर्सन ओवर 3 जनरेशन, मतलब आपका तीन जनरेशन में 12 लोग हैं, एंड दे आर एट लीस्ट 3 पीपल एंड एट लीस्ट 1 फीमेल इन ईच जनरेशन, मतलब आपका तीन लोग हैं एक जनरेशन में और उसमें से एक आपका फीमेल कंपल्सरी है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा गया, बी इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ, बी इज द क्या है ग्रैंड मदर ऑफ एफ, ठीक है। तो ये हो सकता है ऐसे, ठीक। चलिए फिर दूसरा बात क्या लिखा है कि सी इज द डॉटर ऑफ ए एंड मदर ऑफ आई, सी इज द यहां लिखा है क्या कि सी इज द डॉटर ऑफ ए एंड मदर ऑफ आई, ये तीन जनरेशन है। तो हम लोग अगर यहां से लेंगे तो ये बहुत सारे जनरेशन चला जाएगा, यहां से भी लेंगे तो ये दूसरा तीसरा चौथा चला जाएगा, हमको जनरेशन तीन तक ही जाना है, ठीक है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपका इधर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, अभी तो बिठा नहीं सकते हम लोग। फिर क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि एच इज द मदर ऑफ एफ, एच इज द मदर ऑफ एफ, कंफर्म कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, जी इज नॉट फादर ऑफ एफ, एफ के पिताजी यहाँ पे एफ के पिताजी आपके जी नहीं है, ठीक है। एंड ई इज द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो हो सकते हैं भी इनके पिताजी हो या फिर नहीं भी हो, आगे पढ़ने से पता चलेगा। क्वेश्चन लिखा है कि एल इज अनमैरिड अंकल ऑफ डी एंड एफ, एल इज अनमैरिड अंकल ऑफ डी एंड एफ, तो एफ तो यहाँ दिख रहा है, डी नहीं दिख रहा मुझे, हो सकता है इसका कजन हो या फिर इसका भाई हो या फिर इसकी बहन हो, इतना तो कंफर्म है, लेकिन क्या जो है यहाँ पे हो सकता है अनमैरिड अंकल के रूप में। चलिए
देखा है, जे इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जे जो है वो बी का ब्रदर इन लॉ है, तो बी का ब्रदर इन लॉ होगा, तो बी यहाँ खड़ी है, इसका हस्बैंड होगा, और इसके हस्बैंड का क्या होगा, इधर भाई होगा जी। इज मैरिड टू के, मतलब जे जो है वो किससे मैरिड किए हुए हैं, के से उसका विवाह है, ठीक है। हु इज नॉट सिस्टर ऑफ बी, मतलब बी की बहन नहीं, ये भी कंफर्म हो गया मेरा कि बी की बहन आपका के नहीं है, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है यहाँ पे, जे इज द अंकल ऑफ एच, जे जो है वो एच का अंकल है। चलो ये सही, हम यहाँ खड़े, ये मेरे पापा और ये मेरे क्या चाचा। चलिए D and I are brothers of each other and both are cousin of F. चलो ये मामला हुआ यहाँ पे कि D और I जो है वो brother है of each other, मतलब दो भाई है और उसकी cousin कौन है, F है, इतना confirm हुआ। तो इतना confirm हुआ, तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग confirm है, 8, 9, 10, 11, 12 adjust हो जाएगा। ये जो है आपका कभी यहाँ नहीं आएगा, तो ये पक्का यहाँ आने वाला, बिकॉज एक ही जगह खाली है, और सी इसकी क्या हो जाएगी, बेटी, जैसे ही बेटी होगी इसका हस्बैंड भी इधर होगा, हस्बैंड भी इधर होगा, तो एफ के पिताजी जी नहीं है, और ये एफ की कजन है आपका कौन, बी और एफ दोनों, बी और आई दोनों आपका मेल है, तो तीसरे जनरेशन में दो मेल तो एक फीमेल कन्फर्म, और इसके पिताजी जी नहीं है तो कन्फर्म जी, यहाँ ई भी कोई मेम्बर था तो यहाँ कन्फर्म हो गया, ठीक है, बंद हो गया क्वेश्चन मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। How is I related to A? I जो है वो A से कैसे related है? तो ये क्या हो गया answer? How many male member are there in my family? Male member count कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात है। How is G related to E? G जो है वो E से कैसे related है? ठीक है? हम यहाँ खड़े, ये मेरी बहन, बहन के husband मेरे को brother in law लगेंगे, ठीक है? जितना भी हो सके इस क्वेश्चन को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मेरे बताने के बावजूद दोबारा बनाइए, तब जाकर प्रैक्टिस होगा, समझ में आएगा, दूसरा क्वेश्चन स्पीड में बनेगा आपसे, ठीक है। थैंक यू।